लिप्टन फेस मास्क ममार्थ का, और ये फेस टी ट्री का है, ये लाई हूँ क्योंकि ना मेरा फेस पैक वगैरह खत्म हो गया था, विंटर का जो जो सामान लाया था वो भी खत्म हो गया, और अभी सीजन भी चेंज हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट बार मैं ही इसको चेंज की हूँ, ये दोनों लाई हूँ, और ये सिर्फ लड़कियाँ ही नहीं लगा, मतलब लड़कियाँ के तक ही सीमित नहीं है, लड़के लोग भी लगा सकते हैं। मेरे हस्बैंड तो ये सब चीज़ ज़्यादा लगाते हैं, मेरे से ज़्यादा उनको ये सब चीज़ का शौक है, तो ऐसा नहीं कि खाली लड़कियाँ लगा सकते, मेरे चैनल बहुत सारे लड़के भी देखते हैं, और तो वो लोग लगा सकते हैं। ओके, तो ये चैनल। तो अभी रात का 9 बजने को जा रहा है, और अभी मैं मतलब ऐसे तो स्टार्ट कर दी थी इवनिंग के टाइम से ब्लॉग बनाना, और जो दिया बाती जब करती हूँ मैं, तो अभी मतलब कुछ कुछ सामान मैंने मंगवाया था अमेजोन से, वो दिखाना है। कुछ फेस पैक खत्म हो गया था, वो तो लोकल मार्केट से लाई हूँ। किचन का 2 सामान मंगवाया था, एक सामान आया है, एक सामान आएगा, और कुछ एक डेकोरेटिव क्लॉक, टेबल क्लॉक मंगाया है मैंने, आएगा तो मैं दिखाऊंगी। तो उससे पहले एक बात, तो मुझे ऐसे मतलब 4-5 मैसेज आए थे कि ये मतलब आप सिर्फ ट्रैवल ब्लॉग बनाते हो क्या या और कुछ। तो मेरा जो चैनल है वो ब्लॉगिंग चैनल है, ब्लॉगिंग का मतलब तो सबको अभी फिलहाल मुझे लगता है पता होगा, कुछ कुछ लोगों को नहीं पता होगा। और यूट्यूब में बहुत सारे ब्लॉग बना रहे हैं, मैं भी मतलब 2018 से देखी हूँ बहुत सारे लेडीज़, मतलब मुझे अच्छा लगा बहुत देख के, लेडीज़ लोग बनाते हैं ब्लॉग वगैरह, मतलब अपने घर में कैसे मतलब अपना लाइफ को दिखाते हैं, जो दिखाना चाहिए जिससे लोगों को देख के खुशी लगे, घर में कौन सा नया नया डिशेस बनाते हैं, कहाँ घूमने जा रहे हैं, मतलब अपना परिवार को कितने अच्छे से कैसे मतलब रख रहे हैं, खुशी से कैसे रह रहे हैं, और कुछ अच्छे अच्छे बातें बोलते हैं, तो वैसे टाइप का अपना लाइफ के बारे में दिखाना, उसको ब्लॉगिंग बोलते हैं। मेरा चैनल ब्लॉगिंग है, तो और हम लोग वही सब शेयर करती हूँ मैं, जहाँ जाते हैं वहाँ मैं दिखाती हूँ कभी कभी, और कुछ मेरा जो हम लोग का इधर जैसे खाना खाते हैं वो सारा रेसिपी शेयर करती हूँ, कुछ शॉपिंग करती हूँ जिससे मतलब शॉपिंग मतलब कुछ जानकारी देने लायक रहा कि हाँ इससे कुछ हेल्प मिल सकता है, तो वो सारा चीज़ मैं बताती हूँ, अपने लाइफ के बारे में दिखाने का कोशिश करती हूँ जिससे लोगों को देख के खुशी लगे थोड़ा। तो ये पूरा फुल मेरा ब्लॉगिंग चैनल है, आप लोग ना मेरे चैनल में एक दो वीडियो देख के मतलब ट्रैवल ब्लॉग देख के तो नहीं जान पाओगे, तो आप लोग पूरा कंटिन्यूसली कुछ जो चैनल में जाके पूरा सर्च करोगे ना वीडियो, तो सब कुछ पता चल जाएगा। ये पूरा प्योरली ब्लॉगिंग चैनल है जिसमें मेरा अपना लाइफस्टाइल शेयर करती हूँ, ये लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हाँ, जैसे कि बोला मैंने अमेजोन से कुछ 2 किचन आइटम मंगाया था, एक मतलब तो ये एक तड़का पेन मंगवाया है मैंने, तड़का पेन फ्यूचुरा का, मैंने एक ब्लॉगिंग चैनल में देखा था, एक जो लेडी है वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो उनका चैनल में ही मैं देखी थी कि ऐसा मतलब, और ऐसा देख के मुझे लगा कि हाँ ये यूजफुल होगा, तो मैं मंगाई इस बार, क्योंकि ना मतलब ऐसे दाल को छौंका लगाते हैं जब, और जो ये होता है ना हम लोग का, कभी सांबर बन रहा है, दाल बन रहा है, दाल तो हमेशा ही बनता है, छौंका लगाना हम लोग पहले उसको मतलब बॉईल करके प्रेशर में सीटी लगा देते हैं, देन छौंका लगाते हैं, छौंका के लिए फिर से हम लोग को कढ़ाई बिठाना पड़ता है, या तो जो चट्टू रहता है गोल वाला उसमें बिठाना पड़ता है, तो वो काला हो जाता है, तो ये तड़का पेन इसको बोलते हैं, बहुत अच्छा
अच्छा है ये, इसमें हटात से मतलब तेल डाल के इसको छोंक दो, अच्छा रहता है, बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं भी ब्लॉगिंग चैनल देख के ही सीख मतलब मुझे लगा कि हाँ इसको खरीदना चाहिए, यूजफुल होगा। और मतलब क्या है बोले, हम लोग जैसे उड़ीसा से बिलोंग करते हैं ना, हम लोग मतलब जो उड़द दाल का बड़ी होता है उसको ना हम लोग बहुत खाते हैं, मतलब सप्ताह में तो एक दो बार खा ही लेते हैं। तो उसको जैसे हम लोग, मैं बोलते रहती हूँ पानी भात हम लोग का यहाँ पर फेमस है, उसके साथ हम लोग जैसे खाते हैं ना टमाटर का लूणो पानी जिसको बोलते हैं, टमाटर बड़ी ये सब चकट के पूरा, जो स्वाद मतलब वो बहुत टेस्टी, पूरा जो बुखार रहेगा जो अगर किसी का, तो उसका जो स्वाद आ जाएगा मुंह का तो उस सब के लिए बड़ी को तलना रहता है। तो उसके लिए कितना बार हम लोग वो तवा को बिठाएंगे, कढ़ाई को बिठाएंगे, तो इसके लिए ये भी बहुत अच्छा है। मतलब फट से बिठा दो, तेल गरम कर दो, इसमें चार पांच बड़ी अच्छे से तल दो, निकाल दो टमाटर के साथ, अच्छा से चकट के उसको खा लो पानी भात के साथ। तो टमाटर भी इसमें अच्छे से दो तीन आराम से आ जाएगा, छोटा फैमिली के लिए, जैसे हम मैं और मेरे हस्बैंड ही रहते हैं, तो बहुत ही यूजफुल होगा ये वाला तड़का पैन, बहुत यूजफुल होगा। इसको मैंने मंगाया है, ये 382 मिला में मुझे मिला है तड़का पैन, अमेजोन से मंगवाया है मैंने, और 382 का है, फ्यूचुरा का है। और अभी मेरा मतलब क्या, जो मेरा जो फेस पैक है मैं हमेशा दिखाती हूँ ना, अभी फिलहाल में जो विंटर के टाइम में मैंने यूज किया था पतंजलि का कुछ कुछ मैंने प्रोडक्ट्स यूज किया था, मेरा हमेशा से क्या रहता है ना, मैं थोड़ा सा मतलब जो ज़्यादा केमिकल्स मुझे पसंद नहीं है, तो मुझे जो फील होता है कि थोड़ा जो कम केमिकल्स है वो सब चीज़ में यूज करती हूँ। जैसे मैं लोटस हमेशा से यूज करते आई हूँ, लोटस का प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, देन पतंजलि भी यूज करती हूँ मैं। अभी फिलहाल मैं विंटर का मैं स्किन केयर दिखाई थी मेरा, क्या क्या प्रोडक्ट मैंने लाया वो भी मैं दिखाई थी, उसको भी मैं यूज कर लेती हूँ पतंजलि का। देन और जो होता है लैक्मे का फेस फेस जो वाश रहता है, फेस वाश मैंने बहुत यूज किया है, लैक्मे, लोटस, पतंजलि, ये सब चीज़ मैं यूज करती हूँ। मुझे लगता है ये सब में थोड़ा केमिकल्स कम है, थोड़ा नेचुरल वाला फील देता है, मैं बताती रहती हूँ ना। और बायोटिक का भी मैंने बहुत सारा यूज किया है, ये इतना प्रोडक्ट के बाद मैं उतना यूज नहीं करती हूँ कुछ, ये सारा चीज़ मतलब ऐसा अदल बदल करके होते रहता है। मैं लोटस का कभी मैक्सिमम यूज करती हूँ, कभी पतंजलि का तो मेरे हस्बैंड बहुत यूज करते हैं, तो घर में हमारा पतंजलि का सामान रहता ही है। और न तो मैं ऐसा लोटस का बहुत सारा यूज करती हूँ, न तो लैक्मे का, न तो बायोटिक का। इस बार मैं लाई हूँ ममा अर्थ का उबटन फेस मास्क, ममा अर्थ का, और है ये लाई हूँ क्योंकि ना मेरा फेस पैक वगैरह खत्म हो गया था, विंटर का जो जो सामान लाया था वो भी खत्म हो गया, और अभी सीजन भी चेंज हो रहा है, तो मैं इसको, ये ममा अर्थ का प्रोडक्ट ना मैं बहुत सारे ब्लॉगिंग चैनल में भी देख रही हूँ, और ना मैं इसका जो इनका जो फाउंडर है ना वो लेडी, उनका जो जोश टॉक में मोटिवेशनल वीडियोस आता है ना उसको भी मैं देखी, उनका बात मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मुझे लगा ऐसे भी मैं इसको एक देख रही हूँ 1 साल 1.5 साल से, सब हम लोग यूज कर रहे हैं जो बोल रहे हैं इसका अच्छा है, और मुझे भी लग रहा है इसका मतलब जो थोड़ा अपना केमिकल्स नहीं रहेगा, वो जो लेडी थे ना वो जो स्टॉक में बोल रहे थे, काफ़ी अच्छा लगा उनका बात मुझे, तो मुझे लगा इसको यूज करना चाहिए। और ऐसे भी मेरा फेस पैक ख़त्म हो गया था, तो मैं इसकी वजह से ये मामाअर्थ का फेस स्क्रब और फेस मास्क लेके आई हूँ, उबटन फेस मास्क, इसको मैं यूज करूँगी, देन बताऊँगी। मुझे अंदरूनी वाला फील आ रहा है कि अच्छा रहेगा, ठीक है, फर्स्ट बार मैं इसको चेंज की हूँ, ये दोनों लाई हूँ, और ये सिर्फ लड़कियाँ ही नहीं लगा, मतलब लड़कियाँ के तक ही सीमित नहीं है, लड़के लोग भी लगा सकते हैं, मेरे हस्बैंड तो ये सब चीज़ ज़्यादा लगाते हैं, मेरे से ज़्यादा उनको ये सब चीज़ का शौक है, तो ऐसा नहीं कि खाली लड़कियाँ लगा सकते, मेरे चैनल बहुत सारे लड़के भी देखते हैं, और तो वो लोग भी लगा सकते हैं ये, तो ये ऑल स्किन टाइप है, ऑल स्किन टाइप है, सब कुछ लिखा हुआ है। और ना टी ट्री का मैं कभी भी यूज नहीं की हूँ, ऐसा देखती थी, देखती रहती थी यूट्यूब में भी, बहुत सारा चैनल में मैंने देखा हुआ है टी ट्री का, सब लोग बोल रहे अच्छा है जो भी लगाए हैं, तो बोली इस बार थोड़ा चेंज करती हूँ, देखती हूँ कैसा रहता है, मुझे पर लग रहा है ये अच्छा रहेगा, क्योंकि मैंने बहुत जन को देखा है यूट्यूब में मतलब यूज कर रहे, तो मैं यूज करूँगी ना, फिर बताऊँगी सबको कैसा है ये। ओके, और
ये जो जो मेरे हस्बैंड तो नहीं है, जैसे उनका ऐसे ही रहता है, काम सब तरफ जाना रहता है उनको, आज भी नहीं है, मैं अकेले ही हूँ 2 दिन से। और खाना तो सुबह में, मतलब काम, मतलब अकेले ही हूँ, फिर भी जो घर को, इस बार आज मैं थोड़ा ज़्यादा काम हो गया था तो घर को धो धोआ के धोना पड़ा, तो मुझे तो थोड़ा लेट हो गया था, तो मैं नाश्ता लंच एक ही साथ बना ली थी, तो मुझे लंच उच इतना, मतलब डिफरेंट डिफरेंट बनाना था, एक टाइम में ही सब कुछ बना थी, पूरी वगैरह सब्जी वगैरह बना ली थी मैं। और अभी रात में ना फ्रिज भरा पड़ा है, वैसे ही छत्तू वगैरह, जैसे हमारा हमेशा छत्तू पनीर बनते रहता है, छत्तू है, पर मैं क्या बनाऊँ मैं समझ नहीं पा रही हूँ, अकेले ही हूँ तो। और सब्जी भी मैं थोड़ा रखी, इतना सारा सब्जी सुबह बना दी थी, अभी भी सब्जी रखा ही है। तो अभी फिलहाल मैं जाती हूँ, मतलब जो सोच रही हूँ छत्तू का पकौड़ा जैसे बना के थोड़ा चिली टाइप का बना दूँ सोच रही हूँ। और मैं छत्तू का बहुत सारा रेसिपी शेयर की हूँ, सब टाइम दिखाऊंगी, सब लोग बोर हो जाओगे, तो मैं ऐसे ही ओवरऑली दिखा दूंगी, पूरा दिखाने से सब लोग बोर हो जाओगे, छत्तू पनीर छत्तू पनीर छत्तू पनीर दिखाऊंगी तो सब टाइम ना। तो चलिए मैं किचन में कुछ बना लेती हूँ अपने लिए, ऐसे अकेले रहने से मतलब एक ही टाइम बना लेती हूँ, 2 बार हो जाता है कितना आइटम बनाएंगे तो। पर खाना भी तो जरूरी है ना, नहीं खाएंगे तो तबीयत खराब हो जाएगा, तो अभी छत्तू को बना लेती हूँ, मशरूम को, और नहीं तो ख़राब भी हो जाएगा। मेरे हस्बैंड गए थे 2 दिन पहले, वो ला के सब रखे थे, और वेजिटेबल्स से भी पूरा फ्रिज भरा है, पर मुझे खाने का भी इच्छा नहीं है, और सुबह मैंने अच्छा खासा सब्जी खाया हुआ है, अभी वो छत्तू को बना लूँगी। तो चलिए जाते हैं किचन में अभी। तो ना ये मैं मशरूम को कट कर ली हूँ नॉर्मली, मतलब और तल के नहीं निकालूंगी, नमक हल्दी डाल दी हूँ, मिला ली हूँ, क्योंकि मैं बोलती हूँ ना जैसे बटन छत्तू जो रहता है ना पैकेट वाला मशरूम, इसमें ना बहुत ही पानी रहता है, तो ना इसको डायरेक्ट हम लोग अगर फ्राई करेंगे ना बहुत ही पानी निकलेगा, सूखने में बहुत टाइम लगेगा, और ना गैस पूरा गंदा हो जाएगा तो होगा, ऊपर से मतलब टाइम भी बहुत लगेगा, इसलिए ना नमक हल्दी मिलाकर 15 10 15 मिनट छोड़ने के बाद इसको मैं पानी निकाल देती हूँ, देन फ्राई करती हूँ। नॉर्मली बनाऊंगी, जस्ट प्याज बहुत सारा कट कर ली हूँ, 3 प्याज मीडियम साइज का कट कर ली हूँ, मिर्ची 2 ले ली हूँ, जस्ट फ्राई कर लूंगी। और इधर ना मैं चावल नहीं खाई थी मैं दोपहर में, मतलब जैसे बोली मैं लंच और नाश्ता एक ही साथ बना ली थी ब्रेकफास्ट, तो मैं पूरी ही बनाई थी और सब्जी बनाई थी, तो ना चावल नहीं खाई थी, तो मैं यहाँ पर जो ये कुकर है ना राइस कुकर, उसमें थोड़ा सा चावल बिठा दिया, उसके साथ चीनी खा लूँगी, थोड़ा सब्जी भी ये हो जाएगा, क्योंकि ना मतलब ये छोटा वाला है एक जन के लिए काफ़ी है, बहुत अच्छा रहता है, और एक बड़ा वाला है जो 5 6 जन के लिए हो जाएगा, ये काफ़ी अच्छा रहता है एक जन के लिए, फटाक से बैठा लो बना लो हो जाता है, अकेले भी हूँ। और ना ये प्याज वगैरह जैसे मैं बोलती हूँ ना, मेरे हस्बैंड को प्याज लहसुन ये सब खाना पसंद नहीं, और ना मतलब बीच बीच में वो खाते भी नहीं, हमारे घर में एंट्री भी नहीं होता है, प्याज लहसुन नहीं आता है, और कभी कभी मतलब जैसे बोल नहीं आता है, और अभी थोड़ा आ रहा है, क्योंकि बीच में फिर मैं मतलब मैं खा लेती हूँ, मेरे हस्बैंड को खाना पसंद नहीं है, तो मैं कभी कभी खाती खाती हूँ, मेरे को इच्छा करता है तो अभी ला के रख रहे हैं, और ना ऐसे अब फिर से मैं मतलब अपना रख तो रहे हैं पर बनाते नहीं है उतना, मैं ही जब खाती हूँ तभी बनाती हूँ, तो ना रख रख के पूरा सड़ गया था प्याज, इसलिए ना मैं 3 प्याज अभी काट ली हूँ ज़्यादा करके, इसमें फ्राई करके अच्छे से बना लूँगी, और पकौड़ा तल के नहीं बनाऊँगी, क्योंकि वैसे भी नौ पार हो रहा है, इतना रात में अगर मैं तला भाजा ये सब खाऊंगी तबीयत खराब होगा, ज़्यादा तेल खाना नहीं, थोड़ा सा तेल में जस्ट फ्राई करके निकाल लूँगी, बस हो गया मेरा डिनर, और ये चावल बन जाएगा तो हो जाएगा। Thank you.
था मेरा डिनर, ये मैंने सुबह बनाया था, लंच और ब्रेकफास्ट में मैं ही खाई थी। सीझा सब्जी इसको बोलते हैं, बॉईल करके सिर्फ प्रेशर लगा के, ज्यादा मसाला नहीं यूज हुआ था। और ये मेरा मशरूम थोड़ा लग गया क्योंकि फोन आ गया था ना, बात करते करते थोड़ा सा लग गया। कोई बात नहीं, ये भी एक नया आइटम बन गया। तो चलो अभी लेट भी हो गया है, खा लेती हूँ फिर मिलती हूँ। तो अभी मॉर्निंग के 7:20 हुए हैं। अभी मतलब जैसे ठंड का दिन था ना, अभी भी सुबह सुबह थोड़ा थोड़ा ठंड लग ही रहा है। और रात हो जाता है जब 1-2 बजे, और सुबह सुबह बहुत ठंड लगता है। 6 बजे तक भी मतलब जो इंजोला होता है ना, वो नहीं होता है, नहीं होता है, होते होते 6:30 पार ही हो जाता है। तो धीरे धीरे उठ मतलब 6:30 से 7 बज जा रहा था, अभी धीरे धीरे 6 से 6:30 के बीच में उठ जाती हूँ क्योंकि ठंड का टाइम था। फिर धीरे धीरे 5 बजे भी उठूंगी क्योंकि 5 बजे ही हम लोग उठते हैं। मेरे हस्बैंड तो 4 बजे ही उठ जाते हैं, मेडिटेशन वगैरह करते हैं, हम भी करते थे। और 5 बजे उठ जाऊंगी, ये थोड़ा थोड़ा मौसम जैसे ही चेंज होता है उठ जाऊंगी। अभी थोड़ा सा ये हो जा रहा है, और चलिए कोई बात नहीं, अपना काम में लगते हैं, अपना ड्यूटी करते हैं। एज यूजुअल जैसे गर्म पानी बनाते हैं वैसे गर्म पानी बना के पियेंगे। घर तो साफ, मतलब डेली तो हम लोग ऐसे पोछा वगैरह नहीं लगता है घर पे क्योंकि कल ही लगाई हूँ, और आज सिर्फ ऊपर ऊपर ही झाड़ू कर दूंगी क्योंकि उतना घर मैला नहीं रहता है। डेली सब कुछ साफ होता है, इतना मैला नहीं रहता है। बस सोफा वगैरह ना थोड़ा सा धूल बैठ जाता है कि ना, नहीं थोड़ा सा धूल बैठ गया, उसको ना भीगा कपड़ा में पोंछ देना था ना, पूरा चकाचक क्लीन हो जाएगा। और थोड़ा थोड़ा करके ना टाइम निकाल के ये सब कर देना चाहिए, घर भी साफ रहता है, खुद के ऊपर भी बर्डन नहीं पड़ता है ज्यादा काम का, ठीक है, और बिजी भी रहते हो, अच्छा भी रहता है। तो चलिए किचन में पहले गर्म पानी बनाते हैं। ये मेरा मतलब जो लोग देखते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, मेरा चैनल देखते हैं, उनको पता होगा हम लोग सुबह सुबह गर्म पानी जरूर पीते हैं, और कभी कभी ग्रीन टी भी पीते हैं। अभी फिलहाल से ग्रीन टी उतना मतलब मैं शाम में कभी कभी पी लेती हूँ, और ऐसे चलता है, गर्म पानी हमेशा ही पीते हैं। और चलिए गर्म पानी पीते हैं। तो ना जैसे कि मतलब ओवन में भी बना लेते हैं कभी कभी, कांच के ग्लास में, कभी कभी डायरेक्ट स्टील के ग्लास में, इंडक्शन में रखने से भी फटाफट से बन जाता है, गर्म हो जाता है। जब जैसे और क्या। तो गर्म पानी पी लिए, जैसे बोली घर साफ करना है नहीं ज्यादा। नाश्ते में बस मैं ब्रेड, जो ब्राउन ब्रेड होता है, ब्रेड जाम लगा के, बटर लगा के सेंक लूंगी, जाम लगा के खा लूंगी। और जैसे सोफा खाली थोड़ा ऊपर ऊपर झाड़ू करने के बाद सोफा को सिर्फ पानी से मतलब जो भीगा कपड़ा से पोंछ कर उसका जो कवर है, सोफा कवर, कुशन कवर सब कुछ चेंज कर दूंगी, और व्हाइट वाला बिछाऊंगी, दूसरा वाला, ये जो खरीदा था मैंने, ये भी मैं दिखाई थी अमेजोन से, खरीदा था, शेयर की थी। और अभी जो हमारे यहाँ पर ट्रेडमिल है उसमें एक्सरसाइज चल रहा है क्योंकि ये भी नया मतलब रखा हुआ है ना, ऐसे रखा रखा खराब हो जाएगा, छत के ऊपर भी जाते हैं कभी कभी और ट्रेडमिल में भी कर लेते हैं थोड़ा सा। जैसे अभी लेट हो जा रहा है उठते उठते ना, मतलब जैसे 7 के आसपास, 6:30 से 7 के बीच में हो जा रहा है। वो हम लोग का इतना मतलब बिजी शेड्यूल है कि 5, 4:30, 5 बजे नहीं उठने से नहीं होगा। अभी हम लोग जैसे भी ट्राई करेंगे, उठना है मतलब उठना है, नहीं तो नहीं होगा। उठेंगे और फिर से और थोड़ा जल्दी जल्दी काम करने का ट्राई करेंगे ताकि सब कुछ अच्छे से निपट जाए, सब कुछ अच्छे से। 5-6 महीना यहीं पर कॉन्स्टेंटली है क्योंकि मेरे हस्बैंड का अभी बहुत सारा काम इधर ही है, बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है इधर का। तो अभी तो फिलहाल है, फिर भी हम लोग अपना ये भागम दौड़ जाने आने वाला जिंदगी में भी सब कुछ मतलब जो बोलते हैं नहीं, रूटीन फॉलो करने का कोशिश बहुत करते हैं। काम का काम रहा, रात में सोने में लेट हो गया तो छूट जाता है ना, तो करते ही है। हम भी ऐसा मेंटेन करने का बहुत कोशिश करते हैं, एक्सरसाइज हो सब कुछ मेंटेन करने का कोशिश करते हैं। और ऐसे तो हमारा रहता ही है, जैसे भवानी पटना जाती हूँ और यहाँ मतलब मेरा रहता है आधा आधा दिन में ऐसे रहती हूँ, क्या करे, वैसा उधर भी देखना पड़ता है ना, पापा माँ है और मेरे हस्बैंड का काम भी वैसा है, उधर भी मेरे हस्बैंड का काम रहता है। तो सब तरफ से बैलेंस करके एक लाइफ को हम लोग चलते हैं, और बैलेंसिंग जो करना सीखा ना, वही मतलब बोलो जिंदगी को जीना सीखा।
हर तरफ देखना है, सबको देखना है, सबको लेके खुद को भी देखना है ना, खुद को देखना है, उसके साथ पापा मम्मी सबको देख के एक अपना खुशहाल जिंदगी को जीना है, ठीक है। तो ये हो गया, सोफा का कवर वगैरह चेंज हो गया। ये मैंने शेयर किया हुआ है, ये अमेजोन से ही मैंने खरीदा है। अच्छा लगता है, सिंपल है, वाइट कलर का नेट में काम है। मैं ये ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारा चीज़ शेयर करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। और जैसे ममाअर्थ का प्रोडक्ट मैंने शेयर किया ना, जैसे उपटन का और उपटन का फेस मास्क और जो स्क्रब है टी ट्री का, वो सारा चीज़ जब मैं लगाऊंगी तो मैं शेयर करूंगी सबके साथ। मुझे लग रहा है जैसे मैं बोली अच्छा रहेगा। के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और जरूर अच्छा लगा है ना, जरूर थोड़ा 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 भी अच्छा लगा ना, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।